लेकिन ना यहाँ पे जो टोल ये बैठे होंगे बदतमीजी कर रहे हैं, आप इनको रोकते क्यों नहीं हो यार? कल रात को मीडिया कर्मी ऐसा वो समीक्षा मिल गया है, औरत भी थी, लड़की भी थी, वो भी थी, इनके वो तीन बंदे निकल के आ गए उसके बाद। सुबह ना या परसों सरदार जी वहाँ से जा रहे थे, ठीक है, उनके साथ इन्होंने बदतमीजी की, बुजुर्ग थे, आप उनको क्यों नहीं रोके? बुलाओ ना, पहले ना इनकी लड़की, ओए इधर आ, लड़के बुला अंदर से, कौन ले लड़के बदमाश तुम्हारे, और लड़की बुलाओ ना, बुला नहीं सर, बुलाओ ना उनको, उनको बोला अभी बदमाशी दिखा लो तुम ही लोग यार। पहले बात आप यहाँ पे हो ना, आप क्यों नहीं बोलते, आपके सामने बोल लो, हमारे सामने करते हो, पीठ पीछे क्यों नहीं, पीठ पीछे क्यों करते हैं इनको, बोल एक उनको आप ढंग से एक बार इनको समझाओ ना, समझाया है ना। वो कल न्यूज वाले थे, उनको बोल रहे थे कि लड़की हमारी लड़की का वो कैमरा कर रहे, रिपोर्टर है वो क्या कर रहे, कैमरा तो उनका कहाँ है ना, और ये लड़की का सुबह 11 बजे कर क्या रहे थे ये अभी टोल का कभी मसला सरकार के साथ, ठीक है, वो जब छोड़ेंगे टोल नहीं छोड़ेंगे वाले पर, हम इतना कहना चाहते थे ना जो आते बताते रात को ये आपको हुआ ये टोल टोल समीक्षा न्यूज वाले एक बंदा था, एक दो लेडीज उनके साथ ये टोल वाले यार हायर अथॉरिटी नहीं सर, मेरी एक बात है ना, हायर अथॉरिटी वो अलग चीज़ है, लेकिन इनको आप यहाँ नहीं, मेरी बात आप देखो यार, आप हमारे ही बड़े हो, हमारे भाई हो, आप हमारे लोगों में से ही हो, लेकिन इनको बोलो बदतमीजी मत करो, ठीक है, अगर इनको बदतमीजी कर दिया ना, इनको बोलो अभी आ जाओ, अभी कर लो बदतमीजी को, एक मिनट सर, मना नहीं कर रहा, एक मिनट भाई देखो मेरी एक बात, आप हमारे अगर की है बदतमीजी, सेंटीमेंट को कर रहे हो ना, उनको बोला बदतमीजी है, नहीं नहीं हाँ, अगर बदतमीजी नहीं सहेंगे सर, सुनो नहीं बात बोलो, बदतमीजी की है ना, मैं बता रहा हूँ बदतमीजी सारा कुछ नहीं है, तो एफ आई आर बनाएंगे हमारे एस एस पी नहीं है पर एफ आई आर लगाएंगे, अब भी वो भी कर लेंगे, क्यों कराएंगे ये बात, पर अगर प्लीज यार अगर हमने क्लिप दे दी आपको, बुलाओ आप बदतमीजी के ना, यहाँ पे एक तो चुटा ले, दूसरा क्या कुछ नहीं माने लगे ना, यहाँ पे उठाने लगे बदतमीजी नहीं माने लगे, वो भी जाएंगे ना, लेकिन आप अपनी तरफ से भी उनको बोलो ना बदतमीजी ना करो, साले एक तो उठ के बाहर जाए ना, डोंगरों पे बदतमीजी करेंगे यार ये लोग, ठीक है ना, उनको बोलो अभी बाहर आओ ना, साले को खाने फेंगे वहाँ, यूपी राजस्थान सर दुख होते ना अपने लोगों को, आपने बोला ना 144 यहाँ पे लेके कोई आया यहाँ पे नहीं है ना, आपने रिकॉर्ड किया ना हम सब ने यहाँ, अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना यहाँ ऐसा सर ये बात सुनिए, कंप्लेंट हम कर लेंगे, ठीक है, कोई एक्शन होगा तो ठीक है, पता इसके बाद अगर एक भी बदतमीजी देखिए, आज हमारा सरोवर टोल प्लाजा पर जाना हुआ, आज सांबा में हमारी जुट जम्मू पार्टी की टीम, हमारे अध्यक्ष अंकुश शर्मा जी गए थे, उसी के रास्ते में आते हुए जब हमने ये न्यूज़ देखी कि हमारे जो मीडिया कर्मचारी हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा, उसको हम कंडेम करते हैं, उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये लोग जो बाहर से आके टोल यहाँ पे लगाए हुए हैं वो लोग हमारे जम्मू के आम लोगों के साथ, हमारे मीडिया कर्मचारियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कल जो वाक्य सामने आया वो शर्मसार करने वाला है, कि अगर ये आज मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह की बिहेव कर रहे हैं तो आम जनता के साथ किस तरह ट्रीट करेंगे, और ये जो टोल प्लाजा की जो लड़ाई आज एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू की जनता में लगी हुई है इसका तो निपटारा हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो टोल है ये असंवैधानिक है, ये इलीगल टोल प्लाजा है, 60 किलोमीटर के अंदर जो NHAI की गाइडलाइंस है, एक टोल प्लाजा पे दो टोल प्लाजा दिखे हैं, तीनों टोल प्लाजा इलीगल है, जम्मू की जनता को लूटा जा रहा है, उनकी जनता की जम्मू में डाका मारा जा रहा है,
इसीलिए आज हमने वहां पर हमारी जो जम्मू टीम ने जाकर वहां पे कर्मचारियों को, टोल प्लाजा के कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर आपने लोगों के साथ इस तरह व्यवहार किया, इस तरह हमारे जम्मू के लोगों के साथ व्यवहार किया तो आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको आपकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे उन तक हमने ये बात पहुँचाई है कि आप इन लोगों को रोकिए, अन्यथा इसका जवाब जम्मू की जनता देना बेहतर समझती है। साथ ही तिलक जी हैं, देखिए वहाँ पे उपस्थित पुलिसकर्मियों से भी हमारी बात हुई है, उनको स्पष्ट शब्दों में ये बताया गया कि टोल लगेगा या नहीं लगेगा उसकी लड़ाई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से चल रही है, वो रही बात की बात। लेकिन ये जो आए दिन टोल कर्मी, ये जो हमारे चालक हैं उनसे बदतमीजी करते रहते हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। उनको स्पष्ट भाषा में समझा दिया गया है कि इसके बाद अगर एक भी वाक्य ऐसा हुआ तो उनको उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा, 144 हो या 288 हो, उसकी परवाह किए बिना उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा।